हेलो स्टूडेंट, आज के स्टूडियो में हम स्केबीज या द ईच, जिसे हिंदी में खाज कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्केबीज या खाज, यह एक प्रकार की स्किन डिजीज है जिसमें स्किन में तेज खुजली या इचिंग होती है, साथ ही साथ स्किन में जलन और चकत्ते या विल बन जाते हैं। स्केबीज जो है उसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो एक प्रकार का सूक्ष्म माइट या कीड़ा या धुन होता है, जिसे सार्कोप्टी स्केबाई कहा जाता है। ये सार्कोप्टी स्केबाई, जिसको ईच माइट भी कहा जाता है। सार्कोप्टी स्केबाई जो है वो बहुत ही छोटा कीड़ा या धुन होता है, जिसको 8 पैरों वाला होता है, और ये स्किन के अंदर भेद कर उसमें बिल बनाकर रहता है, जहां पर वह अपने अंडे देता है। अंडे ज्यादातर फीमेल माइट जो होती है वो देती है। वो एक समय में 3 से 4 अंडे देती है, अपने पूरे जीवन काल में ये 30 के आसपास अंडे देती है। कुछ समय बाद ये अंडे जो है उसको फूट जाते हैं, उससे लार्वा निकलते हैं, और ये लार्वा जो है स्किन के आकर पूरी स्किन पर फैल जाते हैं, पूरी बॉडी पर फैल जाते हैं। ये माइट जो है वो इतने छोटे होते हैं कि इनको सूक्ष्मदर्शी या मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखा जा सकता है, नग्न आंखों से इसको नहीं देख सकते। अब बात करते हैं हम स्केबिस के कॉज की या कारण की। तो स्केबिस जो है वो कीड़ों या ईस्ट माइट के द्वारा पैदा की गई समस्या है। यह बहुत ही संक्रामक या कम्युनिकेबल डिसीज है, जो स्किन से स्किन के संपर्क में या कांटेक्ट में आने पर तेजी से फैलती है। इसके अलावा ये इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके उपयोग किए गए बिस्तर, तौलिया आदि से भी फैल सकती है। स्केबिस जो है उसके माइट को या ईस्ट माइट जो है उसको जीवित रहने के लिए स्किन से पोषण की आवश्यकता रहती है, अद्यपि यह 3 से 4 दिन तक दूसरी सतह पर बिना स्किन के भी जीवित रह सकता है। स्केबीज जो है उसमें जो ज़्यादातर फैलने का जो कारण होता है वो होता है, एक तो स्कूली बच्चों में आपसी संपर्क से फैल सकता है, माता पिता से बच्चों में फैल सकता है, संक्रमित व्यक्ति जो है उसके प्रयोग में किए हुए वस्त्र जो है उसके प्रयोग के कारण से यह हो सकता है, बूढ़े या बीमार लोग जो अपनी देखभाल नहीं कर पाते हैं उन लोगों को भी स्केबीज की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति जो है उससे लैंगिक संबंध बनाने के कारण से भी ये हो सकता है। ये उन लोगों को होने की संभावना ज़्यादा रहती है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते हैं, जो HIV से ग्रसित हैं, उनको भी स्केबीज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा स्केबीज ऐसे व्यक्ति जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, अपनी स्किन की केयर नहीं करते हैं, उनको भी ये ज़्यादा होती है। ज़्यादातर स्केबीज जो है वो गर्मी के सीजन में और रेनी सीजन के अंदर ज़्यादा होता है। अब बात करेंगे स्केबीज जो है उसके साइन एंड सिम्टम की। तो स्केबीज के अंदर होता क्या है कि इसके जो कीड़े जो होते हैं वो स्किन के अंदर छेद बनाकर अंदर रहते हैं और वहाँ पर अपने अंडे देते हैं, साथ ही साथ स्किन से वो पोषण प्राप्त करते हैं। उसके कारण से क्या होता है कि स्केबीज जो है वो स्किन को डैमेज करता है, उसके कारण से वहाँ पर टिश्यू डैमेज होगा, और टिश्यू डैमेज होने के कारण से वहाँ पर केमिकल रिलीज होंगे। केमिकल रिलीज होने के कारण से स्किन के अंदर एक तरह की इंफ्लामेटरी कंडीशन जिसको कहते हैं वो प्रोड्यूस होगी, साथ ही साथ मास्टर सेल डैमेज होते हैं जिसके कारण से वहाँ पर हिस्टामिन रिलीज होगा। उस हिस्टामिन के कारण से सबसे बड़ा साइन जो दिखाई देता है वो होती है तेज खुजली। स्केबीज के अंदर बहुत तेज खुजली होती है। खुजली जो होती है वो रात के समय अधिक होती है, और खुजली निप्पल, पेनिस, स्क्रोटम, एक्जिला वहाँ पर ज़्यादा होती है। मतलब एरिया जो डार्क रहता है, वेट रहता है, वार्म रहता है, वहाँ पर खुजली की संभावना ज़्यादा होती है। खुजली के साथ साथ छोटे छोटे लाल कलर के इसमें दाने बनाते हैं। स्किन जो है उसके ऊपर मोटी पपड़ी बन जाती है, पपड़ी के नीचे स्केबीज जो है माइट वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण से वहाँ तेज खुजली होती है। स्किन के ऊपर हल्के भूरे रंग की धारियाँ बन जाती है। एक्चुअली ये जो धारियाँ होती है वो स्केबीज जो ईच माइट उसके बिल होते हैं, ये बिल बनाते हैं जिसके अंदर अपने डंडे देते हैं, तो यही बिल जो होते हैं वो धारियाँ हो जाती है। ये धारियाँ ज़्यादातर फिंगर है, निप्पल्स है, वहाँ पर दिखाई ज़्यादा दिखाई देते हैं, एक्जिला है, बटक्स है, वहाँ पर ये धारियाँ ज़्यादा दिखाई देती है। अब बात करते हैं हम उसके ट्रीटमेंट की। तो स्केबीज जो है उसके लिए डॉक्टर जो है वो एंटी स्केबीज क्रीम भी प्रोवाइड करते हैं। एंटी स्केबीज क्रीम जो होती है वो पूरी बॉडी पर गर्दन से लगाकर पूरी बॉडी जो है उसके ऊपर लगाना है, लगाने के बाद 8 से 10 घंटे तक उसको छोड़ देना है। सबसे ज़्यादा तो एंटी स्केबीज क्रीम काम में ली जाती है, वो ली जाती है परमेथ्रिन 5%। ये माइट और उसके अंडों को मारता है। परमेथ्रिन 5% जो है वो बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा जो काम में लिया जाता है लिंडन लोशन और क्रोटामिटोन करके काम में लिया जाता है। लिंडन लोशन और क्रोटामिटोन जो है वो बच्चे, गर्भवती महिलाएं या 65 वर्ष से अधिक पुरुष, उनको प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, उनके लिए ये सुरक्षित नहीं है, नहीं देना है।
स्कैबिज क्रीम जो होती है वो कीड़ों को तो मार देती है, माइट को तो मारती है, लेकिन उसके बाद भी खुजली जो है वो बनी हुई रहती है। स्कैबिज के कारण से बहुत तेज खुजली होती है। खुजली को कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन जो है वो दिया जाता है। एंटीहिस्टामिन के अंदर सिट्रिजिन जो है वो ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, जो खुजली को कम करती है। इसके अलावा खुजली जो है उसको कम करने के लिए कोल्ड एप्लीकेशन जो है या बर्फ जो है उसकी सिकाई भी कर सकते हैं, या ठंडे पानी से भिगो हुआ कपड़ा जो है वो भी लगा सकते हैं, जिससे भी स्किन जो है उस खुजली जो है उसमें आराम मिलेगा। अब बात करते हैं स्कैबिज जो है उसकी होम केयर की। तो होम केयर के अंदर पेशेंट जो है उसको एडवाइस देनी है कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखे, नहाने के बाद बॉडी को अच्छे से सुखाए, ड्राई करने के बाद जो एंटी स्कैबिज क्रीम जो है उसका प्रयोग करें। यदि एंटी स्कैबिज क्रीम लगाने के बाद वो नहाता है तो नहाने के बाद फिर से उसको एंटी स्कैबिज क्रीम जो है वो लगाने की एडवाइस देनी है। परिवार में यदि किसी को स्कैबिज हो गया है तो बाकी सदस्यों को 3 दिन तक एंटी स्कैबिज क्रीम जो है लगाने की सलाह दी जाती है। संक्रमित व्यक्ति जो है उसके कपड़े, बिस्तर या उपयोग वाली जो भी चीज़ें जो है उसको अलग रखना है। संक्रमित व्यक्ति जो है उससे शारीरिक संपर्क से बचना है, उससे कांटेक्ट में नहीं आना है, खास करके बच्चों को उनके कांटेक्ट में जाने नहीं देना है। घर के सभी बिस्तर जो है धूप में 36 घंटे सुखाने की एडवाइस देनी है पेशेंट को। सभी कंबले और घर के सभी कपड़ों को गर्म पानी में धोना है, और गर्म पानी में धोने के बाद उसको धूप में सुखाना है, या जिन कपड़ों को नहीं धो सकते उनकी ड्राई क्लीन करवानी है। पेशेंट को एडवाइस देना है कि यदि उसके नेल अगर बड़े हैं तो उसको कट कर दे, छोटे कर दे, क्योंकि बड़े नेल के कारण से खुजली होगी, जिसके कारण से इंजरी होने की संभावना रहती है। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।